चलो भाई, इस गाड़ी की भी लास्ट लास्ट ड्राइव है इस गाड़ी की, फिर ये गाड़ी भी चली जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब भाई? आप लोग वैसे हैरान हो रहे होगे, बल्कि परेशान भी हो रहे होगे कि मैं आज फिर अपनी छोटी गाड़ी में क्यों हूँ, बड़ी गाड़ी क्यों नहीं दिख रहा है। उसकी रीजन ये है भाई लोग कि मैं बड़ी गाड़ी जो है ना वो सेल कर रहा हूँ। बेसिकली वो ली गई थी इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए, टेम्परेरी ली गई थी, निकल गई है और मेरे एक दो दिन की मेहमान रह गई है बाकी। वो तब तक मैं सोच रहा हूँ कि जब तक मेरी गाड़ी वो भी मेरे पास है बड़ी हुई, तो मैं सोच रहा हूँ कि अपनी इस गाड़ी की थोड़ी सी डिटेल क्लीनिंग करवा ली जाए। देखें ये दरवाजे गंदे हुए हैं नीचे से काफ़ी, इसको मैं सीट कवर को चेंज करना चाह रहा हूँ, ये उतारेंगे और इसकी सीटों को भी पूरा डिटेल सर्विस करवाई जाएगी सीटों की सारी। ये काफ़ी हद तक ना बेचारी गंदी मंदी शंदी हो चुकी हुई है, तो मैं सोच रहा हूँ अभी मैं ऑफिस से निकला हूँ, जाके एक मेरे घर के पास एक शॉप है जो डिटेल सर्विस करती है गाड़ी की, इनसाइड आउटसाइड जितना भी है, इंटीरियर एक्सटीरियर फुल टाइम वो क्लीनिंग करते हैं, लेकिन वो कम से कम एक दिन लेते हैं गाड़ी को अपने पास रखते हैं। तो बाय चांस अभी मेरे पास दूसरी गाड़ी है, एक दो दिन अभी है पास, तो जब तक वो है तब तक इसका फायदा जरा उठाया जाए, इसको देते हैं क्लीनिंग के लिए। अभी मैं चल रहा हूँ वहां पे, जा रहा हूँ, पता करता हूँ क्या सीन है, कितने पैसे लगते हैं, क्या सूरत हाल है, कब तक गाड़ी मिलेगी, ये जाके ये काम करवा लेते हैं तब तक, ठीक है? चलो आ जाए। कभी वो दिन नहीं आया जिस दिन मैं बड़ी जल्दी घर पहुंच जाऊँ। भाई जान आधा घंटा हो गया इस ट्रैफिक में फंसा हुआ और सूरज भी ग़ुरूब होने वाला हो गया भाई यार, पता नहीं अब जाते जाए दुकान ना बंद हो जाए। लो भाई, सीन ये हुआ है कि रश बहुत ज़्यादा है, सुबह ये भजन के पास कह रहा है कि जी एक हफ्ता गाड़ी नहीं ले सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रश है। अब मैं मगरब का टाइम भी हो गया है, तो अब मैं किसी और शॉप को देखता हूँ, शायद कोई मिल जाए घर के करीब, एक और है डिटेलिंग वाला, उससे पता करते हैं। लो भाई, नमाज की वजह से ना ये भी बंद है और साथ वाला भी बंद है, यहाँ पर ये करते हैं डिटेलिंग। मेरे ख्याल में घर चलते हैं, नमाज पढ़ते हैं पहले, फिर शाम में आते हैं इंशाल्लाह। ये ला भाई, लो मगरिब का नमाज का टाइम है, पहले जाके नमाज पढ़ते हैं यार। ये खड़ी है भाई तूसान, जो कि कुछ दिनों की मेहमान रह गई है। चलो भाई नमाज पढ़े पहले। मगरिब बेटा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। चलो भाई वजू करो, नमाज पढ़ो, मैंने तो जायनाज भी शाह दिया। ओके, वजू करके नमाज पढ़े मेरे बेटा। खाना आ गया है, दाल माश, दाल माश, ये होटल वाली दाल लग रही है। चलो भाई, अभी हम लोग आए हैं दोबारा यहाँ पे एक दुकान से पता करना है कार पॉलिशिंग, इससे पूछते हैं क्या सीन है। तो ये गाड़ी को थोड़ा खाली करें, इसमें से चीजें निकाल के ना इस गाड़ी में रख देते हैं। जाओ चाबी लेकर बेटा इस गाड़ी की, ये सारी चीजें जरा उतार लें ताकि ये गुम छुम ना जाए। फिर ट्रंक मैंने पूरा खाली कर दिया, सारा सामान उधर शिफ्ट हो गया, अब बाकी और सामान देखें क्या रह गया। ये रह गया, इसको निकालें। डैशबोर्ड भी खाली करने वाला ना, इसको भी खाली कर देते हैं। लो भाई, मेरे साथ है मूसा भी और खिदर भी, और वापसी में हम लोगों ने आना है टैक्सी पे। लो भाई हम लोग पहुंच गए हैं। You will remove the seat covers? Yeah, you want to remove? Yes. Okay, but yes, I want to remove. But I want to throw. Not put bag. I want throw this one. Okay, this floor. No, no, this one keep it. Only seat cover. Only seat cover. Remove the seat covers. Throw clean this one. Original. Yes, I need original. Okay. This one also clean. Should be everything. Okay. Otherwise, I will not give you even one real. This one also remove the seats. Okay. Okay. And if you will do good, I will advertise your company, inshallah. Okay. Because I'm a YouTuber. Also from back truck, huh? Okay. ये गाड़ी हम लोगों ने दे दी है, अब पहले हम लोग जाते हैं टैक्सी ढूंढते हैं। आ जाओ भाई टैक्सी ढूंढें। अबे टैक्सी का वेट कर रहे हैं और टैक्सी सब नहीं आ रही हैं। गाड़ी की कितनी वैल्यू है भाई, गाड़ी की कितनी कदर होती है भाई जब आपके पास गाड़ी नहीं होती। लो भाई टैक्सी में बैठ गया मूसा भी, हैं मूसा, ये होती है टैक्सी। सामान क्या क्या कुछ हम लोगों ने इसमें डाल दिया,
ये अब सुबह इसमें से कुछ कचरा कुचरा होगा ना मैं फेंक दूंगा। ओए नहीं करो, बाकी इधर पड़ा रहे। अभी छोटी मोटी चीज़ें हैं, इनको ज़रा एक बैग में डाल दिया जाए, ताकि सुबह डालता हूँ मैं, शॉप पर ले आता हूँ फिर करते हैं। चलें बंद करें। तो जी डिनर आ गया अपना, चिकन का पराठा, दही है। लो भाई पराठा मज़ेदार चिकन का विद दही, आधी रात को 10 बजे। आपका बहुत शुक्रिया, आप टाइम निकाल कर वीडियो देख रहे हैं। बस लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मज़ीद वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया। जी जनाब आली, दिन निकला है। मैं इस वक्त जा रहा हूँ अपनी गाड़ी देखने के लिए, जहाँ छोटी गाड़ी दी है क्लीनिंग के लिए। एक तो वो देखना भी है, मैं अभी ऑफिस से नहीं निकल रहा हूँ, एक तो वो देखना भी है गाड़ी, और दूसरा ये है कि मैंने जो स्टिकर लगा होता है ना यहाँ पे, वो स्टिकर उतारना मुझे याद नहीं रहा, जिससे मैंने अपने उधर ऑफिस में एंटर होना है। तो पहले वहाँ चलते हैं, गाड़ी देख कर भी आते हैं, स्टिकर भी लेके आते हैं, यल्ला फिर चलते हैं ऑफिस। सफाई सफुई हो रही है, ये देखो। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? फाइन। पेट कवर निकल गए हैं। तो भाई सीट कवर निकल गए हैं और सीटें वो निकली हुई हैं। व्हेन इट विल बी फिनिश्ड इंशाल्लाह? मिता फिनिश, मिता खलास। गाड़ी तब तक वॉश होती है, मुझे चाहिए था ये वाला स्टिकर, इस स्टिकर के बगैर अंदर एंट्री नहीं होती। चलते हैं ऑफिस फिर वापस में इंशाल्लाह गाड़ी देखते हैं इंशाल्लाह। चलो भाई इस गाड़ी की भी लास्ट ड्राइव है इस गाड़ी की, फिर ये गाड़ी भी चली जाएगी। चलो एक राउंड जाके देख लें, चलने क्या रास्ता तक उतर दो। चलो यला मिली जगह, इधर है ना जगह। हाँ बस ठीक है, इधर मैं ले आता हूँ गाड़ी, लग जाएगी उसकी गाड़ी, आ जाएगी हारिस की, इधर आ जाएगी। अच्छा भाई अभी हम लोग जा रहे हैं, मेरी गाड़ी तैयार हो गई है छोटी वाली, तो ये बड़ी वाली इधर खड़ी की हुई थी, तब वहाँ पार्किंग नहीं थी, अभी इसको वहाँ पे ले जाते हैं। चलो भाई ये गाड़ी तो हमने यहाँ पे लगा दी है, यहाँ पे आराम से। हाँ हारिस की आ जाएगी गाड़ी, उसकी छोटी सी गाड़ी है, यहाँ पर आराम से आ जाएगी। चलो और टैक्सी पर चलें अभी। टैक्सी, आज मौसम अच्छा है ना, हवा चल रही है, चलो टैक्सी ढूंढ लेते हैं, अभी आ जाती है। चलो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी गाड़ी लेने के लिए, और हमारी गाड़ी रेडी है। वाह गाड़ी लशपश हो गई है, क्या फायल है? हाउ आर यू ब्रदर? फाइन, यस ओके, फिनिश अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। तो भाई 0 मीटर हो गई गाड़ी, बिल्कुल बेहतरीन। ये हो गया ट्रंक इसका, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है, ये थोड़ा सामान निकला होगा बाद में देखते हैं। ये पूरी ना पॉलिश हुई है, वाह न्यू 0 मीटर होगी गाड़ी हमारी। बोनेट खोलें जरा, बोनेट खोलें। ओके और ये बेहतरीन गाड़ी नहीं हो गई है। थैंक यू सो मच ब्रदर, फिनिश। चलो जी बिस्मिल्लाह की बरकत। ओए इट्स लाइक अ न्यू, जस्ट लाइक अ वाओ है मूसा। लो भाई इधर तो आग, ओए बिल्डिंग गिर गई, वो सारे शटर गिर गए हैं, इधर बिल्डिंग में आग लग गई है और रेस्क्यू वाले आए हुए हैं रेस्क्यू करने के लिए। देखे अभी क्या गिरा है, कुछ गिरा है, कुछ शटर टाइप कुछ गिरा है, अल्लाह ताला खैर करे। बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है, ये देखो काला धुआं, मेरे ना गैस सिलेंडर ना फट गया। वो बहुत ज़्यादा आग लगी हुई थी बिल्डिंग पे, और अल्लाह ताला हिफ्ज़ अमान रखे सारों को अपने, अल्लाह ताला खैरियत करे। फिलहाल जो गाड़ी की जो क्लीनिंग ना इस टाइम बड़ी बेहतरीन है, लेकिन आपको ये सारी डिटेल बताऊंगा मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि इस वक्त है रात का टाइम, तो रात के टाइम में आप लोगों को इतना नज़र नहीं आएगा, जो सफाई दिन में नज़र आएगी ना वो ज़्यादा अच्छा है।
तो ये नेक्स्ट ब्लॉग में रखेंगे, फिलहाल अभी बच्चों को लेके जा रहा हूँ घुमाने फिराने के लिए। कह रहे हैं जी घुमाने फिराने ले जाओ नई गाड़ी, गाड़ी नई नई होगी ना इसलिए। तो खैर चलते हैं घुमा फिरा के आते हैं इनको, फिर घर चलते हैं, घर जाके फिर जाके ब्लॉग जो है वो वाइंड अप करेंगे। चलो भाई बच्चा पार्टी कह रहे हैं हमें कुछ खिलाया जाए, तो अब ताजी जाए हैं वो खाते हैं। फर्स्ट टाइम मैं खाने लगा हूँ ताजिज। आप लोगों ने खाया है ताजिज किधर? आपके अपार्टमेंट के साथ था। मैंने तो भाई आज फर्स्ट टाइम खाना है जिंदगी में, मैं यहाँ पे रहते हुए ताजिज नहीं खाया, चेक करो। तो भाई इन लोगों की ना फैमिली सिटिंग भी है, ये बाय सड़क है मेन रोड, और ये सारे इनकी फैमिली सिटिंग है। ऑर्डर हमारा रेडी हो गया भाई, हम लोगों ने मंगवाया है, ये बच्चों के लिए है, ये किड्स मील है। इसके साथ आते हैं जूस, अच्छा जूस नहीं है, अच्छा है जूस, अच्छा जूसेस हैं, और साथ में इन लोगों ने आइसक्रीम दी है कंपलसरी, यानी कि फ्री दे दी है। और मैंने और मेरे बेगम ने मंगवाया है इनका ब्रोस्ट, फर्स्ट टाइम ट्राई करने लगा हूँ, स्पाइसी है, अलबेक खाते हैं हम लोग। ये रहा भाई इनका ब्रोस्ट, लेकिन मेरा ख्याल में अलबेक अलबेक ही है। ये साथ में क्या है? अच्छा खुब्स भी हैं साथ, अच्छा वाह ये खुब्स हैं भाई साथ में, उनके साथ बंद होते हैं, इन्होंने खुब्स दिए हैं। चलो बिस्मिल्लाह, ये स्पाइसी है लेकिन इसमें स्पाइसेस नज़र नहीं आ रहे। ठीक है लेकिन अलबेक जैसा नहीं है, मज़े का लो भाई ताज़ा जो मज़े का है, अलबेक अपनी जगह है, ये अपनी जगह है, ये बहुत मज़े का है अलबेक, अपनी अलबेक बहुत मज़े का यार, ऑब्वियसली ये भी बड़े मज़े का। जिस बंदे को अलबेक या ब्रोस खाने को दिल कर रहा हो, अलबेक में रश हो ना, वो ताज़ा जगह खा लें, आपको पैसा वसूल हो जाएगा, क्योंकि KFC से काफ़ी अच्छा है। KFC में आपको ऑयल के ना घूंट आते हैं, इसमें ऑयल नहीं है, ये सेम अलबेक जैसे ही समझ लें आप, मज़े का बेहतरीन है। क्यों भाई आप लोगों को मज़ा आया? चलें चलें भाई लोग, गाड़ी भी आ गई, गाड़ी निकल भी गई और खाना भी खा लिया, अब चलते हैं घर। और मज़ा आया यार आज, आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, और मिलते हैं दोबारा किसी नए ब्लॉग के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।